आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर जीत अपने नाम कर लिया है। यहाँ दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं आरसीबी की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए विराट कोहली ने 50 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 34 गेंदों में 50 रन मारे जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनके साथ कप्तान फैफ डी प्लेसी ने 16 गेंदों में 22 रन बनाए, लोम रोन ने 18 गेंदों में 26 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल ने 14 गेंदों में 24 रन की पारी खेली और इसी के चलते आरसीबी ने 6 विकेट खोकर 174 रन बनाए और वहीं दिल्ली कैपिटल्स 9 विकेट के नुकसान पर 151 रन ही बना पाई, जिसमें डेविड वार्नर ने केवल 19 रन बनाए और मनीष पांडे ने 38 गेंदों में 50 रन की पारी खेली और अक्षर पटेल ने भी 21 रन की अच्छी पारी खेली, लेकिन वो इस मैच को जिता नहीं पाए। आरसीबी की तरफ से विजय कुमार ने 3 विकेट लिए, उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए और इन दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बने, जिन्होंने 50 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई।